is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your आप मत्ती मरकुस लूका योहन्ना पढ़ें, क्या कभी यीशु ने ये कहा, क्या तुमने उस छोटे नगर के बारे में सुना जहां पर मैं जन्मा था, बेतलहम? क्या तुमने कभी नाजरत के बारे में सुना? उसने कभी ये नहीं बताया कि वो कहां से है। वो सारी बातें जो उसके स्वाभाविक पृष्ठभूमि के बारे में है, उसने उसके बारे में कभी नहीं कहा, उसके बारे में उसने कभी नहीं बताया। हाँ, निश्चय वो छोटे नगर बेतलहम में जन्मा था और वो मरियम का बेटा था और ये सब, और उसकी परवरिश नाजरत में हुई थी और सबने कहा ये तो नाजरत से है, ओ हम इसकी माँ मरियम को जानते हैं, हम इसके भाई को जानते हैं, सब कोई उसे पहचानते थे उस शहर के नाम से जिसमें वो पला बड़ा था, कि वो कहाँ पर जन्मा, वो कहाँ पर था, और ये सब सब लोग उसी दृष्टि से उसे देख रहे थे। लेकिन उसने कभी अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहा कि मैं यही हूँ, कभी नहीं। आप बाइबल में देखिए, उसने कभी नहीं कहा मैं बेतलहम के छोटे नगर से हूँ, मैं देखो बेचारा हूँ, नासरत में पला बढ़ा। देखिए, उसने ऐसे कभी नहीं कहा। जानते हैं क्या कहा? मैं ऊपर से हूँ। वो तो बहुत ही अलग फ्रिक्वेंसी में था पूरी तरह से। उसने कहा मैं ऊपर से हूँ, मैं और मेरा पिता हम एक हैं, मैं वहां से आया हूँ, तुम यहां से आए हो, लेकिन मैं वहां से आया हूँ। जानते हैं,
वो नहीं समझ पाए, सोचने लगे कि ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा व्यक्ति है, ये तो अपने स्वाभाविक पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल सचेत नहीं है। लेकिन वो इतना भरा था इन बातों से कि वो सच में कौन है। मैं सोचता हूं कि ये समय है कि विश्वासी लोग बदल जाएं और पूरी तरह से सचेत हो जाएं उनकी आत्मिक पृष्ठभूमि के बारे में और मसीह में वो कौन है, इसके बजाय कि वो इन बातों से भर जाए कि वो कौन है अपने स्वाभाविक पृष्ठभूमि से। हम सब की पृष्ठभूमि है, हम सब किसी नगर से हैं, किसी समाज से हैं, हम सब किसी न किसी पृष्ठभूमि के हैं। आप उसे बेकार नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह सकते कि आप उसे फेंक दें, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इसके बारे में सचेत नहीं रहना है। हमें विश्वासी होने के बारे में सचेत रहना है, हमारी मसीह में जो पहचान है उसके बारे में सचेत रहना है कि हम मसीह में कौन हैं, हम मसीह में कौन हैं। ये नहीं कि मैं कहां पर जन्मा था या फिर मैं किस समाज का हूं, उसके बारे में घमंड नहीं करना, इसके और उसके बारे में स्वाभाविक बातों के बारे में नहीं, मैं मसीह में कौन हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप ये नहीं कहना कि मैं दिंडीवनम से हूं, नहीं नहीं ये वहां पर शुरू ना हो, ये शुरू हो ये कहते हुए कि मैंने नया जन्म पाया है। ऐसे ऐसे समय में मेरा जीवन बदल गया और मैंने मसीह में अपना नया जीवन शुरू किया। आपको इसी बात के बारे में बहुत ही सचेत रहना होगा। प्रभु जब मनुष्य को बनाना चाहता था तो उसने कहा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता में बनाऊंगा मेरे जैसे ही। लेकिन कितने लोग इसके बारे में सचेत हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपसे कहेंगे कि आप एक छोटे कीड़े से आए हैं, और कुछ कहेंगे कि आप बंदर की प्रजाति से आए हैं। एक भाई ने मुझसे कहा कि ये तो संभव है मेरे भाई। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है, कि आपने खुद को कभी आईने में देखा है और आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू किया? लोग ये विश्वास करते और इसलिए उनमें से बहुत से लोग एक छोटे कीड़े जैसे व्यवहार करते हैं, कीड़े के जैसे या फिर बंदर जैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया कि वो एक छोटे कीड़े से आए हैं या बताया गया कि वो बंदर से आए, इसलिए वैसे व्यवहार करते। उन्हें बताया गया कि तुम एक ऊंची जाति के प्राणी हो, जानवर हो, लेकिन ऊंची जाति के जानवर हो। लेकिन जब हम लोगों को ऊंची प्रजाति के प्राणी कहते हैं, वो बस ऊंचे स्तर पर इसी तरह से जीते हैं, देखिए इसलिए हमें समस्या होती। देखिए अब देखिए, यही तो समस्या है यहाँ पर मनुष्य जाति के साथ में, यहाँ पर ये समस्या है, ये तो हमारी समझ की कमी है कि हम कौन हैं, हम कौन है ये नहीं जानते, इसलिए हम ऐसे व्यवहार करते हैं। मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा, स्वयं परमेश्वर ये कहता है, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, इसलिए जैसे व्यवहार करते ये करते हैं, हम इसी तरह से जीते हैं। एक बार समझ ले कि हम कौन हैं तो फिर तुरंत ही हम एक ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं, परमेश्वर के जैसे व्यवहार करते हैं और प्रभु के जैसे काम करने लगते हैं। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया। उसकी स्वरूप समानता क्या है? कि राज्य करे और सारी बातों पर अधिकार करे, आकाश के पक्षियों पर और मछलियों पर, सारे जानवरों पर, सारी रेंगने वाली चीजों पर अधिकार रखें। और फिर अगला वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। और फिर वचन 28 कहता है, मनुष्य को आशीष दी कि वह अधिकार रखें। उसने कहा, फलवंत हो, बहुगुणित हो और इस पृथ्वी को तुम भर दो और अधिकार रखो और सारी बातों के ऊपर अधिकार करे। फिर से ये सब कुछ दोहराया गया है। तो प्रभु के पास में निश्चित चित्र था कि मनुष्य कैसा हो जाए। मनुष्य के बारे में वो क्या चाहता था कि वो कैसे हो जाए? वो चाहता था कि वो बिल्कुल उसी के जैसे हो जाए। वो चाहता था कि मनुष्य सारी बातों के ऊपर अधिकारी हो जाए। वो चाहता था कि सब कुछ मनुष्य के वश में हो जाए और मनुष्य सबके ऊपर हो। वो चाहता था कि मनुष्य जो है वो सबसे ऊंची सृष्टि हो, सभी बातों के ऊपर में राज करे। केवल मनुष्य के ऊपर एक ही होगा और वो है परमेश्वर। हम मनुष्य के बारे में कह रहे हैं। हमें समझना होगा कि हम कौन हैं, हमें कैसे बनाया गया है, हम किस लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर जैसे होने के लिए बनाए गए हैं। सच में मैं कहूंगा कि हम छोटे परमेश्वर होने के लिए बनाए गए थे। शायद आप चौंक जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और वचन बताता हूं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना अध्याय 10। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 से आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प वचन का भाग है। यहूदी और यीशु में मानो हमेशा युद्ध छिड़ा होता था। यीशु की जो शिक्षा है कई बार यहूदियों को चौंका देती थी। अब इसे सुनिए, आप समझेंगे वो क्यों चौंक गए। मैं और मेरा पिता एक हैं। यीशु यहां पर कहता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। जब आप ये सुनते हैं तो इसके बारे में गुस्से की कोई बात नहीं होती है, मैं और पिता एक हैं, तो ये यहूदियों के लिए बहुत ही ठोकर की बात होती थी, क्योंकि यहूदी
एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो हमेशा वो सामने रखते थे, उनके मन में ये वचन तो सबसे ज्यादा ऊंचा था, वो था कि हे इसराइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर तो एक है। ये उनका स्लोगन था, हमारा परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर है। हम यहूदी के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि वहां परमेश्वर है, वहां परमेश्वर है, यहां पर तीन चार परमेश्वर हैं। ये तो उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता था, ऐसे व्यक्ति को वो सह नहीं सकते थे, वो निंदा करने वाला है। यानी यीशु वहां पर खड़े होकर कहता है, मैं और पिता तो एक हैं। इसे बड़ी निंदा की बात माना गया। देखिए अगला वचन, यहूदी ने पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए मुझ पर पत्थरवाह करती हो? उसने कहा, मैंने बहुत से भले काम किए, किस लिए तुम अभी मुझ पर पत्थरवाह कर रहे हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थरवाह नहीं करते। देखिए वो धार्मिक लोग थे, वो गुंडे नहीं थे, भले काम के लिए पत्थरवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, भले कामों के लिए हम तुझ पर पत्थरवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुझे बताए कि हम क्यों पत्थरवाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर की निंदा के लिए, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो मनुष्य लेकिन खुद को परमेश्वर बताता है, इसलिए पत्थरवाह कर रहे हैं। देखिए बहुत ही दिलचस्प है, मनुष्य के बारे में ये तो एक प्रकाशन है। अगला वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या ये तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? यीशु अच्छे से जानता था, यदि यहूदियों से निपटना है तो बाइबल से बताना होगा। उन्हें फिलॉसफी मत बताइए, कोई और कहानी मत बताइए, उन्हें बस बाइबल से बताते जाइए, क्योंकि वो बाइबल का आदर करते थे, पुराने नियम का। उसने कहा, क्या ये तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, यानी पुराने नियम में, कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? उसने कहा, तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो ये कहने के लिए कि तुम ईश्वर हो? बाइबल कहती है कि तुम ईश्वर हो। क्या आप समझ रहे हैं? उसने कहा, क्या तुमने बाइबल में यह नहीं पढ़ा है कि जहां पर कहा गया है कि तुम ईश्वर हो? कुछ लोग तो उतने ही चौंक गए हैं। एक भाई ने एक बार मुझे प्रचार करते सुना, कहा, क्या बाइबल सच में ऐसा ही कहती है भाई कि हम ईश्वर हैं? चलिए मैं आपको यह बता ही देता हूं। यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी व्यवस्था, जिसका तुम आदर करते हो, सम्मान करते, वो कहता है कि तुम ईश्वर हो? और फिर वो ये कहता है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो चलिए मैं इसके बारे में समझाता हूं। तुम्हारे पास 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया, दूसरे लोगों को 10 आज्ञाएं नहीं मिली। 10 आज्ञाएं तो केवल परमेश्वर के लोगों को दी गई, यहूदी लोगों को। तुम्हारे पास 10 आज्ञाएं, इसलिए तुम्हें बहुत ही विशेष माना जाता है, तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान, और परमेश्वर तुम्हें ईश्वर कहता है, उसने तुमसे बातें करके तुम्हें ईश्वर कहा। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास प्रभु का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र का वचन असत्य नहीं हो सकता। उसने कहा, तुम उस वचन को कैंसिल नहीं कर सकते, उसे दूर नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परमेश्वर का अटल और प्रेरणा से लिखा गया वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर कहा, इसे नहीं बदल सकते, इसके साथ व्यवहार करें, वचन असत्य नहीं होता। उसने इसी संदर्भ में इसके बारे में कहा, जब उसने कहा परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर कहा, तो वचन कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैं कहता हूं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। चलिए सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, उसने कहा, वो क्या कह रहा है? वो कहता है परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास में आया, 10 आज्ञाएं तुम्हें दी गई है, और परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर कहा है, परंतु तुम उसके बारे में कह रहे जिससे पिता ने पवित्र ठहरा कर इस संसार में जगत में भेजा है। मतलब यीशु हमेशा पिता के साथ में था, दूसरा व्यक्ति था उस धन्य त्रिएकता में, और वो हमेशा पिता के साथ था। जब वो मनुष्य रूप में आया, वो अपनी शुद्धता बिल्कुल नहीं खोया था, परमेश्वर ने निश्चित किया कि वो पवित्र हो। देखिए जब से आदम पाप में गिर गया, तब से उसके बाद की जो पीढ़ी है वो सब पाप में ही जन्मी है। दाऊद कहता है, मेरी मां ने मुझे पाप में धारण किया। पाप की गंदगी तो अब मनुष्य के खून का भाग हो गया है, ये तो ऐसा ही है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो पाप है वो तो पहुंचते जा रहा है मनुष्य जाति में, लेकिन जब यीशु मनुष्य के रूप में जन्मा, तो परमेश्वर ने निश्चित किया कि पाप की गंदगी उसका भाग ना हो, और इसीलिए वो पुरुष की मदद के साथ पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष ही है जो बीज को देता है, वही तो है जो बीज देता है, और उसी बीज के द्वारा पाप की गंदगी आगे बढ़ती है। देखिए वो जन्मा पवित्र आत्मा से,
और उसे पवित्र रखा गया जैसे वो वहां पर मरियम की कोख में आया, और जैसे वो मरियम की कोख से जन्मा, परमेश्वर ने ये निश्चित किया कि वो शुद्ध ठहराया जाए। तो वो कहता है, तुम सब पाप में जन्मे हो अपने जन्म से ही, लेकिन मैं इस संसार में भेजा गया एक शुद्ध किए गए व्यक्ति के रूप में। परमेश्वर ने मुझे संसार में भेजा और उसने निश्चित किया कि मैं शुद्ध ठहराया जाऊं, मैं पवित्र हूं, ऐसे उसने निश्चित किया। और तुम मुझे कहते हो निंदा करने वाला, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ईश्वर हूं। दूसरे शब्दों में कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर कहा, तुम जो पापी हो, पाप में जन्मे हो, लेकिन मैं शुद्ध पैदा हुआ, मैं पवित्र पैदा हुआ, पुरुष की मदद के बिना पैदा हुआ, पाप की गंदगी के बिना पैदा हुआ, मैं तो जन्मा हूं, कुंवारी से शुद्ध किया गया, परमेश्वर ने मुझे संसार में लाया, और तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हो कि मैंने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा। आप उसकी बात समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर बात तो यह है, क्या परमेश्वर ने बुलाया यहूदी लोगों को ईश्वर? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा तो इसे देखना ही होगा, क्योंकि वचनों को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारे लिए है और ये काले और सफेद में लिखा गया है। यदि कहीं कहता है कि वचन तोड़ा नहीं जा सकता, तो यहीं पर ये कहता है वचन तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए इसे देखते हैं, क्या उसने ये कहा, क्या परमेश्वर ने इसराइली लोगों से कहा है कि तुम ईश्वर हो? मेरे साथ निकालें भजन 82। चलिए वचन 1 से पढ़ते हैं। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अब पुराने जमाने में जब मैं इसे पढ़ता था, मैं सोचता था ये उसके बारे में कह रहा है जो हो रहा है ईश्वरों के संसार में। परमेश्वर बड़े न्यायिक रूप में बैठा है और दूसरे छोटे ईश्वर हैं जो इकट्ठा हुए हैं, और वहां पर बड़ा न्याय का चित्र हो रहा है। मैं कल्पना कर रहा था किसी तरह, जानते हैं कुछ हो रहा है वहां पर स्वर्ग में ईश्वरों के बीच में, लेकिन ये इसके बारे में नहीं कह रहा है। जब ये कहता है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, देखिए यहां पर इसका विवरण देखिए, वो कहता है इसराइली लोगों के बारे में कहता है, सामर्थी की सभा में, सब लोग कहें सामर्थी, कोई और शब्द नहीं कहता, कहता है सामर्थी, सामर्थी की सभा में, और वो ईश्वरों का न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है, वो ईश्वरों का न्याय करता है जो कि लोग हैं। यदि विश्वास नहीं करते तो अगले कुछ वचन पढ़िए, आप विश्वास करेंगे। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्ट का पक्ष लेते रहते हो, सेला, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। लोगों के बारे में कहता है और उनका अन्याय, जिस तरह से अपने देश में वो अन्याय करते जाते हैं, वो कंगाल और अनाथों के साथ में सही तरीके से व्यवहार यहां पर नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है मुझे ये पसंद नहीं है जिस तरह से तुम ये काम करते हो। तो प्रभु न्याय करता है इसराइली लोगों के बीच में, परमेश्वर न्यायी है, वो इसराइली लोगों के विरुद्ध में कहता है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, और इसके बारे में कहते हुए कहता है परमेश्वर वहां पर सामर्थी लोगों की सभा में खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। लोगों को ईश्वर कहता है, इसे सुनिए, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। देखिए वचन 5 में, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, काश हम यहां रुककर कुछ हफ्तों तक इस पर चर्चा करें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है वो नहीं जानते, इन लोगों में समस्या यह है कि वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? नहीं जानते कि वो कौन है, नहीं जानते हैं कि वो कितने खास लोग हैं, वो नहीं जानते कि वो सामर्थी है, ये नहीं जानते कि वो ईश्वर है, वो इसे नहीं समझते हैं, वो इसे नहीं जानते, ना ही इसे समझेंगे। नहीं जानना तो ये एक बात है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग बात है जब वो जानना ही नहीं चाहते। कहता है वो इसे नहीं जानते और ना ही इसे वो समझेंगे। जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते और ऐसे ही रहना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। प्रभु कहता है ये लोग नहीं जानते और ना ही वो इसे समझेंगे, वो इसे समझना नहीं चाहते, वो इसे खोजते भी नहीं हैं कि वो अपने बारे में सत्य को ढूंढ के निकाले, और वो नहीं समझेंगे। वो अंधकार में चलते फिरते हैं, कहता है ये अंधकार है, ज्ञान का अंधकार, कोई ज्ञान नहीं, नहीं जानते वो कौन है, नहीं जानते कि उन्हें कैसे होना है, कैसे व्यवहार करना है, नहीं जानते वो किससे बनाए गए, खुद के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं और इसके बारे में इच्छा नहीं रखते। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा? उनके पास इसके लिए समय नहीं, और इसका परिणाम पृथ्वी की सारी जो नींव है वो हिल जाती है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, कहता है जब लोग नहीं जानते कि वो कौन है, वो जानना नहीं चाहते कि वो कौन है, वो परिश्रम नहीं करते कि जान ले,
इसके बारे में पूरे अंधकार में हैं, तो पृथ्वी की जो नींव है हिल जाती है। इसका मतलब है परमेश्वर ने कुछ बुनियाद रखी है। उदाहरण के लिए परिवार एक बुनियाद है संसार के लिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बाइबल कहती है उसने स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया है। जब उसने उन्हें बनाया तो स्त्री और पुरुष बनाया, क्यों? विवाह की योजना थी। जब भी मैं शादी लगाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, वो बहुत नर्वस होते हैं, बस ऐसे खड़े होते हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं क्या ये शादी मेरे लिए काम करेगी। जानते हैं, मेरे चाचा के लिए काम नहीं की, ये इसके लिए काम नहीं की, क्या ये मेरे लिए काम करेगी, क्या मैं उसी तरह से परेशानी में फंसूंगा। हर तरह के विचार उनमें आते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूं, पहले ये वचन पढ़ता हूं, मरकुस अध्याय 10 से वचन 6 से 9। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष करके बनाया। मैं कहता हूं, आदि में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने सोचा था कि मनुष्य क्या होगा। उसने शादी के लिए इसे बनाया, इसलिए ये स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। इसलिए यहां पर एक स्त्री है, यहां पर एक पुरुष बैठे हैं। प्रभु ने आपको ऐसे ही बनाया है, उसने आपको विवाह के लिए बनाया है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं क्या विवाह मेरे लिए है, तो जवाब है हाँ, यह आपके लिए है। यदि आप मनुष्य, तो प्रभु ने आपको विवाह के लिए बनाया है, जब तक कि आपके जीवन पर विशेष बुलाहट ना हो। जानते हैं, यह स्वाभाविक है, शायद कुछ लोगों के जीवन पर हो, पर सामान्य रूप में विवाह तो जचने वाली बात है। देखिए, विवाह, परिवार और ये सारी बातें इस पृथ्वी की नींव होती हैं। जब लोग नहीं समझते हैं कि वो कौन हैं, जब लोग नहीं समझते हैं कि उनके पास क्या है, जब लोग खुद के बारे में ये नहीं समझते हैं कि वो तो अंधकार में हैं, कुछ काम नहीं करता, परिवार काम नहीं करता, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ये सारी बातें जिसके कारण ये पृथ्वी काम करनी चाहिए, मनुष्य काम करती हैं, वह असफल हुए। तो आज हम देखते हैं परिवार असफल हो रहा है, समाज असफल हो रहा है, देश असफल हो रहा है, हर तरह की समस्याएं हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि वो कौन हैं, वो किस लिए बने हैं, उनका प्रभु कौन है, परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया। उनके पास ज्ञान नहीं, वो अंधकार में जीते हैं, उनके पास खुद के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए सब असफल हो रहा है, पूरी बुनियाद हिलाई जाती है। मैंने बताया कि परिवार एक बुनियाद है, लेकिन ऐसे ही बहुत सी बुनियादी हैं, मूल्य हिलाए जाते हैं, बुनियाद हिलाई जाती है, जीवन हिलाया जाता है। जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, फिर अब इसे सुनिए, वचन 6, प्रभु कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्या प्रभु ने कहा? हां, प्रभु ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और तुम सर्वोच्च की संतान हो। बहुत से लोग आज चौंक गए हैं, ऐसे चौंक जाना अच्छी बात है। चर्च में जाकर कुछ न पाए तो यह बहुत बुरा है, कम से कम कुछ तो पाया है। जानते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए, क्या आप ईश्वर हैं? बगल वाले को देखिए, क्या आपके सामने वो ईश्वर जैसे दिखाई देता है, या फिर आप खुद को देखिए ऐसे ही, क्या आप खुद के लिए ईश्वर दिखाई देते हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें ईश्वर कहा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और तुम परम प्रधान के पुत्र हो। मैं एक बार इस पर प्रचार कर रहा था, किसी ने कहा, भाई तो ये सबसे बड़ी परमेश्वर की निंदा मैंने सुनी है, आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर हैं, केवल एक ही परमेश्वर है। मैंने कहा, सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि केवल आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं। नहीं, आपने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया है, आप यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया और फिर से जी उठा। मैंने ये नहीं कहा, अगर कहता तो गलत होता और मैं गलत शिक्षा यहां पर सिखाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर वहां एक ही परमेश्वर है और उसने हमें अपने जैसे ही बनाया है, और उसने हमें अपने जैसे बनाया है, इसलिए हम अपने आप को छोटे ईश्वर कह सकती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता? लोग कहते हैं, पता नहीं ब्रदर, मेरे लिए अजीब बात तो बस यही है कि लोग चर्च में जाते हैं और प्रचारक उन्हें धूल कीड़ा कह सकते हैं, कुछ नहीं है। जानते हैं, वो हर तरह की बेकार की बातें कहते हैं और बड़ी बड़ी खुशी से बैठे हैं। प्रभु की स्तुति हो भाई। जब वो बाहर आते, जब चर्च से बाहर आते, तो कहते हैं कितना अद्भुत संदेश था। और इस पूरे समय तक प्रचारक आपसे यही कहते रहे कि आप मिट्टी है, कीड़े हैं और भले नहीं, ऐसे पापी हैं, और आप उसे कहते हैं अद्भुत संदेश है। और जब आप यहाँ पर आते हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ईश्वर है और आपको बाइबल में से ये सब दिखाता हूँ, परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ईश्वर है, तो आप सोचते हैं अरे बापरे। जानते हैं, देखिए हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। God is fighting for us. God
He has overcome.